नमस्कार। आज का हमारा योग का 11वां दिन है, 11th डे। आज इस सेशन का लास्ट डे है, नेक्स्ट वीक और वीडियो रखूंगी। आज जो बाकी रह गए हैं, कोई कई आसन स्टैंडिंग में रह गए, सिटिंग में रह गए हैं, तो वो आसन दिखाने जा रहे हैं। साइड लाइन एक्सरसाइज है, वो करने जा रहे हैं हम लोग। आप मेरे ये 11 दिन के जो अलग अलग वीडियो रखे हैं, बिगिनर्स के लिए थे, कल का जो था तो थोड़ा एडवांस था, तो आप उसको ट्राई कीजिए, रेगुलर आप योग करें और करवाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। तो पहले हम करेंगे वक्रासन करेंगे, डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन है ये वक्रासन। वक्र स्थिति का कमर को मरोड़ने वाला ये आसन है, डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है। उसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन से वो ट्विस्टिंग होता है, दोनों पैरों को साथ में रखना है। मैं एक ही साइड से दिखाती हूँ, दोनों साइड से करना है हमें। जो लेफ्ट लेग से करते हैं या लेफ्ट हैंड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं तो राइट साइड से भी करना ज़रूरी है। हमें क्या करना है, हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखनी है, पीठ कमर गर्दन एक लाइन में रखनी है, एंकल जो है वो 90 एंगल रखना है, नितंब से लेकर पूरी एड़ी तक का हिस्सा जमीन पर रहेगा। एक के काउंट में क्या करना है, हमें ये जो हमारी पंजा है उसका ये मिडल पार्ट है, उसे घुटने के बाजू में रखना है ऐसे। जब आप करेंगे तो बॉडी आपके पीछे की ओर नहीं झुकनी चाहिए, पूरा टच करके रखना है। फिर जो हाथ हमारा जो पैर बैंड किया है वो हाथ पीछे की ओर रखना है, कितना दूरी पर, 6 इंच दूरी पर रखना है, 5 से 6 इंच दूरी स्पाइन की लाइन में रखना है, हमारी जो करोड़ है उसकी लाइन में रखना है। ज़्यादा बाहर भी नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं, ऐसे भी नहीं रखना है, 5-6 इंच दूरी पर रखना है। फिर क्या करना है कि हमारा जो पैर स्ट्रेट है वो हाथ ऐसे हथेली बंद करनी है, और फिर हमारा जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो है वो हमारे सीना और थाइस के बीच में से निकालना है और ट्विस्टिंग करना है। जितना भी आप कर सकते हैं तो ऐसे ट्विस्टिंग करना है, धीरे से ऐसे आगे झुका के ले जाना है, और फिर धीरे से हमें ये पकड़ लेना है एंकल। नीचे यदि टच होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो रहा है तो एंकल पकड़ लीजिए, दूसरा जो एंकल है वो 90 एंगल रहेगा। अभी जो फोर्थ का काउंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि पूरा आपका ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग कैसा होना चाहिए कि आपके ये जो दो शोल्डर है वो एक लाइन में आने चाहिए, आपकी बॉडी पीछे क्यों नहीं जानी चाहिए, जितना पीछे ट्विस्टिंग कर सकते हैं, आंखें हल्के से बंद होल्ड करना है। वक्रासन वक्र स्थिति का कमर को मरोड़ने वाला आसन, डायबिटीज के लिए बेस्ट आसन है ये। पूरा प्रेशर आपका स्टमक पर आता है, कमर का मरोड़ आता है, पूरा ट्विस्टिंग पोज है, जितना पीछे की ओर आप कर सकते हैं टर्न, फिर धीरे धीरे वापस लौटना है नज़र सामने। फिर जो हाथ ट्विस्ट किया है हमने उसे धीरे से छोड़ते हुए रखना है, पहले पीछे वाला हाथ नहीं लेना है, नहीं तो आपका बैलेंस जा सकता है, फिर पीछे वाला जो हाथ है, और फिर ये पैर सीधा कर देना है। आपकी ब्रीदिंग में भी थोड़ी, जब ट्विस्टिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसा आपको लगता है, तो उसे भी ध्यान से करना है। तो ये हुआ हमारा वक्र स्थिति का आसन, वक्रासन डायबिटीज के लिए। जैसे मैंने मंडूकासन बोला था, जिन्हें डायबिटीज है मंडूकासन के साथ ये आसन भी रोज हमें करना है, जिसे नहीं है तो उसे उसके चांसेस कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम करेंगे अर्धचंद्रासन। जैसे मैंने बोला था कि उष्ट्रासन हमें करना था, सिटिंग में मैंने दिखाया था उष्ट्रासन। अभी जो पीछे नहीं जा सकते हैं उष्ट्रासन में, आपकी बॉडी पीछे आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे रखना है, पंजे के ऊपर रखना है, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, और फिर धीरे से बैकवर्ड बेंड करना है जितना आप कर सकते हैं। अर्धचंद्रासन, धीरे से वापिस आना है और हाथ नीचे। तो जो उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं, रेगुलर में भी ये कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंड आसन है। नेक्स्ट हम करेंगे अधोमुख श्वानासन, जो हमने सूर्य नमस्कार में देखा था। इसमें क्या करना है, दोनों हाथ यहाँ रखने हैं, फिंगर स्प्रेड करके रखनी है, और फिर धीरे से दोनों पैर भी शोल्डर डिस्टेंस पर लेके जाएंगे। और क्या करना है, आपका स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है
तो ये मैट के एजेस पकड़ लीजिए और फिर धीरे से बॉडी को अंदर की ओर खींचने की कोशिश कीजिए दो हाथों के बीच। स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट, घुटना भी स्ट्रेट। फिर त्रिपाद अधोमुख स्वानासन। अभी क्या करना है, स्ट्रेचिंग आपने किया है, हाथ वापस लेके आएंगे दोनों पैर साथ में। आपसे यदि बैलेंस हो रहा है तो ही कीजिएगा। दोनों पैर घुटनों में से स्ट्रेट, स्पाइन एकदम स्ट्रेट, सर को अंदर की ओर खींचने की कोशिश। अभी इसको एक पैर में राइट लेग ऊपर की ओर उठाऊंगी आकाश की ओर, एक धीरे धीरे सर को अंदर की ओर, पैर स्ट्रेट, आपकी बॉडी टर्न नहीं होनी चाहिए, घुटना भी स्ट्रेट, धीरे से पैर नीचे रखना है। उसमें से जाऊंगी मैं कपोतासन में, लेफ्ट लेग मेरा आगे की ओर रखूंगी, जैसे हम लोग आते हैं एक पाद आकर्षणासन में, धीरे से लाऊंगी। फिर क्या करना है, धीरे धीरे मैं मेरा पैर जो है वो 90 एंगल रखूंगी, पीछे वाला पैर एकदम स्ट्रेट। कपोतासन, राज कपोतासन भी कहते हैं। कई जगह ये जो हमारी एडी है सिवनी पर या ऐसे बैंड करवाते हैं, जैसे करवाते हैं आप करते हैं तो वैसे करना है। पीछे वाला पैर एकदम स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड से ले जाते हो नमस्कार मुद्रा, हाथ स्ट्रेट, ऐसे भी रख सकते हैं या तो फिर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो धीरे से नीचे आपकी स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हथेली जमीन पर। पैर जो है 90 एंगल रखना है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी है, आसन भी है। पीछे वाला पैर स्ट्रेट, धीरे से ऊपर आना है हाथों सर दो, सिर्फ ऐसा भी रख सकते हैं आप। जब वापिस आना है धीरे से हाथों का सपोर्ट ले, दोनों पैर साथ में, वापिस अधोमुख स्वानासन। अभी उद्वमुख में जाना है। अधोमुख और उद्वमुख में क्या डिफरेंस है कि आपको जैसे भुजंगासन में जाते हैं वैसे भुजंगासन में जाना है। फिर दोनों पैर स्ट्रेट, पंजे जमीन से टच, दोनों हाथ स्ट्रेट करते हुए सांसों को भरते हुए, एक हाथ स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट ऊपर की ओर, पंजे खुलने नहीं चाहिए। ये हुआ उद्वमुख स्वानासन। धीरे से मैं वापिस लौटूंगी, उसमें से मैं जाऊंगी अंजनेयासन। वापिस में पर्वतासन भी बोलते हैं, उद्वमुख स्वानासन भी बोलते हैं। वापिस जाऊंगी, कल जैसे मैंने बोला था कि हिप को पीछे की ओर पुश करना है, आपका जो घुटना है वो एकदम स्ट्रेट। अभी मैं जाऊंगी अंजनेय आसन में, एक पैर आगे की ओर, दूसरा घुटना है जमीन पर, ये पैर 90 एंगल रखना है, दोनों हाथ साइड से ले जाते हुए, बाइसेप्स कानों से चिपकाए हुए, बैकवर्ड बैंड, हथेलियां पूरी बंद, आगे वाला पैर 90 एंगल, एंकल के ऊपर घुटना, धीरे से वापिस लौटना है, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। इसमें से हम जाएंगे लिजार्ड पोज। दोनों आपकी हथेली से लेकर कोहनी तक का हिस्सा जमीन पर रहेगा, पीछे वाला पैर आपका एकदम स्ट्रेट है, नजर सामने, ये जो पैर है वो झुकना नहीं चाहिए नीचे की ओर, लिजार्ड पोज। उसमें भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक स्ट्रेचिंग होगा, दो, एक, दो, एक, तीन, इसमें भी पूरा उठ सकते हैं। हाथों को थोड़ा स्ट्रेट करिए, पीछे क्यों लाए, एक, दो, एक, दो, वापिस लौटना है, धीरे से वापिस अधोमुख स्वानासन में, पर्वतासन में, पूरा बॉडी पीछे की ओर स्ट्रेट। धीरे धीरे हमें वापिस आना है, वापिस आप हाथों को पीछे की ओर ऐसे भी ला सकते हैं,
यह है पादहस्तासन। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। तो ऐसे रनिंग में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी हम खड़े हो गए हैं तो करेंगे पादांगुष्ठासन। दोनों पैर साथ में, बैलेंसिंग आसन है ये भी। क्या करना है, दोनों पैर साथ में रखने हैं। लेफ्ट हाथ है मैं कमर पर रखूंगी, राइट लेग उसको मैं थाइस पर रखूंगी। अंगूठा पकड़ लेना है और धीरे से पैर सामने की ओर स्ट्रेच करना है। बॉडी स्ट्रेट, बॉडी आपकी टर्न नहीं होनी चाहिए, पैर घुटनों में से स्ट्रेट, हाथ भी स्ट्रेट, नजर सामने। दोनों साइड से ये भी आसन करना है। धीरे से वापिस लौट जाना है। तो ये हुआ पादांगुष्ठासन। अभी नेक्स्ट हम साइड लाइन करेंगे हस्त पादांगुष्ठासन की। आप बैठ के भी कर सकते हैं, बैठ के करते हैं वो पादांगुष्ठासन है। हमने ये हस्त पाद, हाथ पैरों का अंगूठा है, हाथों से पकड़ा है, इसलिए हस्त पादांगुष्ठासन कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट करेंगे साइड लाइन एक्सरसाइज। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमें एक साइड लेट जाना है, हाथ है ऐसे रखने हैं, पूरी हथेली खोल के रखनी है, पंजा सामने की ओर। अभी जैसे हमारे पंजे रखे हैं ऐसे, तो एक हाथ छाती की ओर रहेगा, आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में, यानी हाथ और कमर, पैर, थाइस एक लाइन में आनी चाहिए। सपोर्ट के लिए हाथ यहाँ रखना है। अभी क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पैर है उसे उठाना है, आपके थाइस से, जॉइंट से उठाना है, पूरा स्ट्रेट आकाश की ओर। एक, घुटनों से स्ट्रेट, नीचे वाला पैर भी स्ट्रेट। दो, एक, पूरा नीचे ले जाना है। दो, एक, तीन, एक, चार, एक, पांच। दोनों साइड से ये भी करना है, हाथ चेंज करके, साइड चेंज करके करना है। सेकंड एक्सरसाइज, थाइस जॉइंट से, आपके जंगा से, मूल से पैर को ऊपर लाना है, लेकिन घुटना जो जमीन पर, पंजा है अंदर रहेगा। एक, 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 दो, एक, तीन, एक, चार, एक, पांच। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है पैरों का, चार काउंट में करना है। एक के काउंट में आप पैरों को स्ट्रेट रखते हुए जितना आगे की ओर, ऊपर की ओर, छाती की लाइन में ला सकते उतना लाना है। एक, दो के काउंट में वापिस जगह पर, दो, तीन के काउंट में पीछे, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। जब पीछे जाते हैं तो पैर स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे बेंड नहीं करना है। इतना जाता है तो इतना जाने दो, लेकिन स्ट्रेट करना है। दूसरी गलती क्या कहीं नहीं करनी है, एक, दो, तीन, बॉडी आप पूरी ऐसे पीछे झुका देंगे तो वो नहीं करना है। बॉडी जैसे है वो ही पोज में, जैसे विष्णु भगवान लेटे हैं। एक, दो, तीन, चार। तो ये हुई थर्ड एक्सरसाइज। थोड़ा रिलैक्स करना है तो रिलैक्स, अभी साइड लाइन कर रहे हैं हम तो दृढ़ासन। जब लेफ्ट साइड करते हैं, जिसे वामकुक्षी कहते हैं, लेफ्ट साइड कहते हैं, दृढ़ासन में क्या करना है कि आपका एक हाथ जो है सर के नीचे, ऊपर वाला जो पैर है उठा के लाना है हिप लाइन में, एंकल जो है वो घुटने के नीचे रहेगा, ऐसे क्रॉस भी नहीं, ज्यादा अंदर भी नहीं, पूरा 90 एंगल रखना है। और फिर धीरे से हाथ छाती की ओर या तो फिर थाइस पे रख देना है। बॉडी ऐसे नीचे की ओर नहीं झुकानी है, बॉडी स्ट्रेट, दृढ़ासन, आराम लक्षी आसन। राइट साइड से भी कर सकते हैं दृढ़ासन। अभी मेरे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से खाना खाने के बाद यदि आप सोते हैं, वामकुक्षी कहते हैं, इससे पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वशिष्ठासन। पहले दिन मैंने बोला था कि हमारे योग में आसन के नाम प्रकृति पे से, ऋषि मुनियों पर से आए हैं, तो वशिष्ठ मुनि थे। इसके लिए क्या करना है, दोनों पैर साथ में, बैलेंसिंग आर्म बैलेंस पोस्चर है, लेकिन जिसे एल्बो में फ्रैक्चर है या कलाई में फ्रैक्चर है उसे नहीं करना है। दोनों पैर स्ट्रेट रखने हैं,
एक हाथ आगे रखना है, धीरे से यहाँ से पहले नितंब को उठाना है, फिर आपकी जंघा और फिर पैरों को उठाना है। बैलेंस रहने के बाद ही हाथ ऊपर की ओर ले जाना है, धीरे से करना है ऐसे। धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके नीचे आ जाना है, रिलैक्स। आज लास्ट एक्सरसाइज आज की दिखा रही हूँ, हनुमान आसन में जाना है। लेकिन उसके लिए, स्ट्रेचिंग के लिए हमें क्या करना है, सभी का बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। हर बार मैं बोलती आई हूँ कि आपके यहाँ के हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो टाइट रहते हैं, तो आप आसन एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, स्ट्रेचिंग के लिए। घर में तकिया है, कुशन है, कुछ भी पहले पास में रखना है। आपकी बॉडी कितनी नीचे जा रही है, क्या करना है ऐसे। ये मेरे पास ब्लॉक है, आप कुशन भी यूज कर सकते हैं। धीरे से एक पैर में आगे लूंगी, फिर क्या करना है, पीछे वाला पैर रख दूंगी नीचे। ये जो ब्लॉक या कुशन है आपके बीच में सिवनी की ओर आने चाहिए। धीरे धीरे पैरों को फैलाना है आगे की ओर। अभी आपका बॉडी इतना कर रहा है हनुमान आसन, धीरे से क्या करूंगी, अभी बॉडी थोड़ी आपको ऐसा लग रहा है दो चार दिन के बाद, अंतर थोड़ा कम कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी और प्रैक्टिस होगी, वो भी ब्लॉक निकाल देना है। वापिस लौटना है, धीरे से जैसे गए थे स्लाइड करते हुए वैसे ही स्लाइड करते हुए आना है। तो ये हुआ हनुमान आसन, स्ट्रेचिंग। आपको यदि ये एक्सरसाइज अच्छी लगी है, आप ऐसे ब्लॉक घर में कुछ भी ऐसा कुछ है उसका यूज करके स्ट्रेचिंग पूरा कर सकते हैं, वॉल के साथ भी कर सकते हैं। वॉल के साथ करना है तो कैसे बैठना है, धीरे धीरे ऐसे पैर रखने हैं, हाथ आगे की ओर, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करके भीत की ओर ऐसे ऐसे करते हुए जाना है। धीरे धीरे आप ऐसे जाना है, धीरे धीरे आपका यहाँ का पूरा स्ट्रेचिंग होगा। तो ये है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हनुमान आसन करने के लिए, ये एक बेसिक एक्सरसाइज है तो हमें करनी है। आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी जो जंघा के मूवमेंट स्टिफनेस है वो कम होगी। आज का ये मेरा इस सेशन का 11वां दिन का लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में रखूंगी, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये योगा का सेशन अच्छा लगा है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद। इस 11 दिन के वीडियो में मेरी बेटी श्रुति मनो ने बहुत ही मदद की है, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम।